दोस्तों, जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई मशीन खरीद रहे हो, तो भाई इनसे पहले आपको बहुत ही सोच विचार करने के बाद ही मशीन को परचेज करनी है। मतलब कि मार्केट में कोई भी धंधा करने जा रहे हो, आपको सही तरीके से इनको देखना है, परखना है, समझना है, रिसर्च करना है, फिर बाद में ही आपको बिजनेस करना है। वरना भाई 1 लाख का 12 हजार कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। केवल यूट्यूब की वीडियो देखी और मशीन खरीद ली, बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, ऐसा आपको नहीं करना है। आज मैं आपको ऐसे 10 मशीनों के बारे में बताने वाला हूं जिनका बिजनेस करके आप पैसा कभी कमा ही नहीं सकते। अगर आपने इन बिजनेस के बारे में सोच रखा है तो अभी भी समय है भाई, पीछे हट जाओ। या अगर आप कर रहे हो तो भी आप देख लो कि आप वाकई में इसमें प्रॉफिट कर रहे हो। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने इनमें लॉस किया है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि दूसरे जो लोग हैं वो थोड़ा सावधान हो जाए। मेरा टारगेट केवल आपको बिजनेस आइडिया बताना इतना सीमित नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप धंधा करो और पैसा कमाओ, पैसा खो मत। पैसा खोने वाला कोई भी बिजनेस आइडिया मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। वैसे ये 10 बिजनेस असफल नहीं है, बिजनेस तो सफल है, मगर इस बिजनेस को करने के जो तरीके हैं वो बिल्कुल बेकार हैं और बिल्कुल असफल हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहो, मैं आपको वन बाय वन 10 बिजनेस, 10 मशीन बता रहा हूँ। इनसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप मेरी नई वीडियो की लिंक प्राप्त करना चाहते हो, या इस चैनल में जो भी कुछ अपडेट हैं वो आप लेना चाहते हो, या कुछ ही टाइम में, बस लगभग हमारे प्रोडक्ट रेडी हैं, कुछ ही टाइम में मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो ऑफलाइन है, प्रोडक्ट बेच पर हैं, इनमें आपको मैं निमंत्रित करूँगा, आपको फ्रेंचाइजी मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिलेगी, और आप अपने एरिए में मेरी प्रोडक्ट को सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाओगे। तो पूरी सब कुछ वो जानकारी के लिए मैंने भाई एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, प्योर बिजनेस वन करके। इस ग्रुप की लिंक जो है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इस लिंक के द्वारा इस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है, जो भी अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी, जो नई वीडियो होगी इनकी लिंक आपको उस ग्रुप में तुरंत मिल जाएगी, या और जो पुरानी जो वीडियो हैं उसकी भी लिंक जो है वो समय समय पर आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी वीडियो मैंने बनाई हैं और इनमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो वो भी आपको मिलेगी। बाकी दोस्तों, आप जो भी कोई कमेंट कर रहे हो, अब चाहे आप YouTube में कर रहे हो या मुझे WhatsApp करके कर रहे हो, तो उनके जो उत्तर हैं वो भी मैं उस ग्रुप में ऑडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो आपको इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और दूसरा दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं बताने वाला हूँ, वो है गुजराती भाइयों के लिए। जो मित्र गुजराती हैं, जो अच्छी तरह से गुजराती समझ सकते हैं, इन सारे लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन खुशी वाली बात है कि भाई मैंने अब एक गुजराती यूट्यूब चैनल भी बनाया है जिसका नाम है बिजनेस वाणी। इन पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड भाई कर चुका हूँ। आज का जो वीडियो है वो हिंदी में है, इनको आप बिजनेस वाणी गुजराती यूट्यूब चैनल पर जाकर इनको आप गुजराती में भी देख सकते हो। वो वीडियो शायद आज नहीं कल पब्लिक हो जाएगी उस चैनल पर। तो दोस्तों, मेरे जो गुजराती चैनल की जो लिंक है वो भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और ये जो वीडियो पहला मैंने जो बनाया है इनकी लिंक भाई आपको इस वीडियो में ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में भी आप उस चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। उस चैनल को भी सब्सक्राइब आप भाई कर लेना है, इनमें भी आपको समय समय पर गुजराती भाषा में वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, नंबर वन पर है भाई स्लीपर मेकिंग बिजनेस आइडिया। कई सारी वीडियो आपने YouTube में देखी होगी कि 10 हज़ार की स्लीपर मेकिंग की मशीन मिलेगी, 10 हज़ार की मिलेगी, 12 हज़ार की मिलेगी, 4 हज़ार की मिलेगी, मैनुअल मिलेगी, सेमी ऑटोमेटिक मिलेगी, ऑटोमेटिक मिलेगी। मगर भाई स्लीपर बिजनेस में काफ़ी सारी बड़ी 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 ब्रांडें हैं और सफलतापूर्वक अपना बिजनेस रन कर रही हैं, पैसे भी अच्छे कमा रही है। मगर आप छोटी मशीन से अगर स्लीपर मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट करोगे तो 100% फेल हो जाओगे, 100%, क्योंकि इनमें आप प्रॉफिट कर ही नहीं पाओगे। इनकी दो तीन बातें हैं वो मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि दोस्तों, आप 10-12 हज़ार की मशीन से बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो भाई आपके पास कितने पैसे होंगे?
मतलब बहुत कम पैसे से आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो आप रॉ मटेरियल भी कितना खरीदोगे, 10-20-25 सीटें खरीदोगे, थोड़ी इनके ऊपर जो स्ट्रैप आती है वो थोड़ी सी खरीदोगे और स्टार्ट करोगे। तो क्या मार्केट में जो स्लीपर्स चल रहे हैं उस टाइप के क्वालिटी के और उस टाइप के स्लीपों की रेट वाले और उस टाइप की क्वालिटी के जो सीट होती हैं, क्या सस्ते प्राइस में आप मार्केट से खरीद पाओगे? बिल्कुल नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि अब एक बड़ी ब्रांड है जो 40-50 हज़ार सीट खरीद रही है और आप भाई 40-50 सीट खरीद रहे हो, उनका और आपका कोई कंपेरिजन नहीं बैठेगा। मतलब कि वो बहुत ही सस्ते में खरीदेगी, आप सीट को ही बहुत ही महंगे में खरीद के आ जाओगे, फिर मार्केट में कैसे सेल करोगे? और अगर आप सस्ती सीट लेकर आ भी जाओगे तो उन स्लीपरों की क्वालिटी जो हैं वो इसमें कोई दम नहीं होगा। एक बार जो लेगा वो दूसरी बार दुकानदार दूसरी बार आपको आने भी नहीं देगा, वो बोलेगा भाई चले जाओ, आपके क्वालिटी में कोई दम नहीं है। तो एक तो आपको ये प्रॉब्लम होगा, दूसरा ये होगा कि जो छोटी मशीनें होती हैं इनमें वो फिनिशिंग नहीं आता है जो बड़ी बड़ी ब्रांडें बनाती हैं। तो यहाँ आपको एक प्रॉब्लम होगा क्वालिटी का और दूसरा होगा फिनिशिंग का। तो छोटी मशीन से स्लीपर मेकिंग बिजनेस में आप सफलता कभी नहीं पाओगे। अगर बड़ा प्लांट के बारे में सोच रहे हो तो आप उस बिजनेस को ज़रूर कर सकते हो, मार्केट में रिसर्च कर सकते हो कि जो मैंने बोला वो कितना सही है। दूसरा मशीन है भाई यूएसबी डेटा केबल मैन्युफैक्चर का मशीन, जिनमें वो दिखाते हैं कि एक छोटी सी मशीन है जिनमें जो है वो आप जो यूएसबी केबल होते हैं इनको आप अपने घर से बना सकते हो, मार्केट में बेच सकते हो। यूट्यूब में जो है वो भाई आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे कि भी 2 रुपये के, 3 रुपये के, 4 रुपये के केबल बनाओ और मार्केट में होलसेल में 10 रुपये में, 12 रुपये में, 15 रुपये में बेचो और दिन के भाई 1000 रुपये कमाओ। ये बिल्कुल सच्चाई से विपरीत हैं, क्योंकि इनमें जो केबल जो आप खरीद रहे हो, क्योंकि उनके लिए आपको पूरे बंडल खरीदने पड़ेंगे, उस केबलों की जो क्वालिटी होती है इनमें कोई दम नहीं होता है। और अगर आप दम वाला केबल खरीदोगे तो भाई महंगे पड़ेंगे। एक तो ये, दूसरा इनमें भी आपको प्रॉब्लम होगी फिनिशिंग की। छोटी मशीन से आप केबल बनाओगे तो आपको वो फिनिशिंग नहीं मिलेगी जो फिनिशिंग बड़ी बड़ी ब्रांडें बनाती हैं। न सस्ता इनसे बना पाओगे, न फिनिशिंग वाला दे पाओगे, तो भाई बिजनेस में कैसे चलोगे? तो अगर इस टाइप का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो तो भी ठहर जाओ, इन बिजनेस में आप कोई प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। इनसे तो अच्छा है कि आप इनको जत्थे में ज़्यादा क्वांटिटी में सीधे केबल कंपनी के पास से खरीदो और मार्केट में सेल करो, वो आपको और ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरी मशीन के बारे में। दोस्तों आपने मार्केट में देखा होगा कई सारी कंपनियां जो है वो बेचती हैं, यूट्यूब में तो इनके भर भर के वीडियो हैं, छोटी ऑयल मशीन अपने घर पर लगाओ, छोटा मशीन लगाओ और काफ़ी सारा जो है वो इनमें पैसा कमाओ। क्या आपको लगता है कि भी आप छोटी सी मशीन बनाकर ऑयल बनाकर आप मार्केट में बेच पाओगे और वो भी ब्रांडों से सस्ता या ब्रांडों के जो रेट हैं उसी रेट के आसपास? नहीं बेच पाओगे, कभी भी नहीं बेच पाओगे। पहली बात तो ये है कि ये जो छोटी मशीन है वो उतना ऑयल निकाल नहीं सकती हैं जितना बड़ी बड़ी ब्रांडें निकालती हैं। तो पहला तो आपको वो इसमें वीक पॉइंट है या अच्छा पॉइंट नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब चाहे आप मूंगफली का तेल बनाओ या चाहे आप कोई और तेल बनाओ, जब मूंगफली की सीजन होती है तो भाई मूंगफली जो है वो बहुत ही सस्ती मिलती है, तब तो आप इनका तेल बनाकर मार्केट में शायद सेल कर पाओगे। मगर जैसे जैसे इनकी जो सीजन है वो ख़त्म हो जाती है तो मूंगफली के जो दाने हैं वो मार्केट में महंगे हो जाते हैं। फिर आप इनमें तेल बनाकर मार्केट में सेल करने के लिए जाओगे तो आपका तेल बहुत महंगा पड़ेगा और ब्रांडें फिर भी तेल सस्ता बेचती होगी, क्योंकि इनके पास हजारों टन मूंगफली का जो है वो स्टॉक होता है और उतना ही इनके पास तेल का भी स्टॉक होता है जो वो लोग सीजन में इकट्ठा कर लेते हैं। तो वो तो भाई आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि उतने पैसे जो हैं वो तो आपके पास है नहीं। तो इस बिजनेस में भी मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉफिट आपको मिलने वाला नहीं है। अगर इसके बारे में आप सोच रहे हो तो अभी भाई रुक जाओ, इनको बंद कर दो, अच्छी तरीके से सर्च कर लो, मार्केट में रिसर्च कर लो, फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो, मगर इनमें कोई प्रॉफिट नहीं लगता मुझे कि आपको इनमें मिलेगा। चौथा मशीन है बिनौला खंड का, यानी कि जो बिनौला खंड बनाने की जो छोटी मिल आती हैं, मैं इनकी आपसे बात करने वाला हूँ।
मैं मक्का भरड़ा की या मक्का की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मक्का तो आपको पूरे साल मिलती है, तो आप उसका बिजनेस कर सकते हो। मगर जब आप बिनुला खल की बात करते हो, उनका जो भी वो है वो छोटा सा प्लांट होता है, 2-2.5 लाख रुपए में जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है। इनकी मशीन 2-2.5 लाख रुपए की आती है और कई सारे लोग जो हैं वो इनका बिजनेस भी करते हैं, मगर वो साल में केवल 3 महीना ही बिजनेस कर पाते हैं, फिर बाद में वो बिजनेस नहीं कर पाते हैं। इनमें भी वही प्रॉब्लम होता है। ये बिनुला जो खल है वो कॉटन सीड से बनती है, तो ये जो कैटल फीड है इनको भाई आप तब तक कर पाओगे जब तक सीजन है और आपको जो सीड्स हैं कॉटन के वो आपको सही रेट से मिल रहे हैं सस्ते। तब तक जैसे सीजन ख़त्म हो जाएगी कॉटन सीड के जो रेट हैं वो बढ़ जाएंगे, फिर मार्केट में वैल्यू जो है वो प्राइस में नहीं बेच पाओगे जो प्राइस में बड़ी बड़ी ब्रांडें सेल कर रही हैं, क्योंकि इनके पास तो जैसे मैंने पहले बोला हजारों टन का कॉटन सीड्स का स्टॉक होता है और बिनुला स्टॉक का भी इनके पास स्टॉक पड़ा होता है बहुत ज़्यादा, तो वो लोग सस्ते प्राइस में बेचते हैं। इनके सामने आप टक्कर नहीं ले पाओगे, इनमें भी आप उतना ऑयल नहीं निकाल पाओगे जितना ऑयल बड़ी बड़ी ब्रांडें निकालती हैं। तो इस बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट नहीं है, चाहे कंपनी वाले आपको कुछ भी कहे, चाहे यूट्यूबर आपको कुछ भी कहे, क्योंकि वो तो पैसा लेकर वीडियो बनाते हैं तो उनको तो अच्छा अच्छा बोलना पड़ता है, मगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो इनमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आप जरा मार्केट में सर्च कर देना, जब सीजन होती है तब ये जो बिनुला खल है इनकी 50 किलो की एक बैग आपको 1000 रुपये में 1200 रुपये में मिल जाएगी, मगर जैसे सीजन ख़त्म हो जाती है तब इनके जो रेट हैं वो बढ़ते जाते हैं, वो 1500 रुपये भी हो जाते हैं, 2000 रुपये भी हो जाते हैं, तो फिर बड़े ब्रांडों के सामने टिकना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर साल करीब करीब ऐसा ही होता है कॉटन सीड्स में, रेट बढ़ जाते हैं आउट सीजन में, क्योंकि जो बड़ी बड़ी ब्रांडें होती हैं वो पूरा का पूरा जो माल है वो अपने पास खरीद लेती हैं और स्टॉक करके अपने पास रखती हैं, तो इनके सामने आप कभी नहीं टिक पाओगे। तो इनमें भी आपको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें कम से कम आपको मैन्युफैक्चर नहीं करना है, आप इनका जो है वो रिसेल कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं पांचवें मशीन के बारे में जो आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। वैसे एक मित्र ने मेरे को कमेंट किया था, इन्होंने बोला था कि भाई अभी एक मार्केट में नई नई मशीन आई है जिनका नाम है बैटरी रीजनरेशन मशीन, पुरानी सी पुरानी डिब्बे जैसी होगी बैटरी को, इस ये मशीन इनको बिल्कुल कंप्लीट करता है और ये बैटरी फिर 1-2 साल तक चलती है। मैं आपको दोस्तों बताऊं कि ये कोई नया मशीन नहीं है, ये धंधा सालों से चल रहा है, ये मशीन पहले भी हैं, यूट्यूब में जो है वो इनकी वीडियो जो है वो अभी अभी आपने शायद देखी होगी। देखिए दोस्तों ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, इसमें कुछ होता नहीं है। जो बैटरी बनती हैं जो कंपनी बनाती हैं वो इनको जो है वो 1-2 साल की वारंटी देकर वो बैटरी बनाती है और तब तक वो बैटरी चलती है। अगर इनसे पहले बैटरी में कुछ होता है तो हम उस कंपनी के पास से गारंटी वोटी ले लेंगे, किसी मशीन वाले के पास क्यों जाएंगे। और अगर 2 साल के बाद ये बैटरी की वारंटी ख़त्म हो जाती है और फिर बाद में जो है वो बैटरी डेड हो गई, अब आप उस बैटरी को लेकर किसी भी मशीन वाले के पास जाओ इनमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि बैटरी में 6 सेल लगे होते हैं और सभी की ग्रेविटी जो है वो 1150 से 1200 के बीच अगर होती हैं तभी इस बैटरी में कुछ किया जा सकता है। अगर एक सेल की भी ग्रेविटी 1120 हो गई तो भाई आप चाहे किसी मशीन वाले के पास जाओ वो बैटरी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब ग्रेविटी सही है, सारे सेल सही हैं, सब कुछ सही है और बैटरी काम नहीं कर रही है, ऐसी तो शायद 1000-2000 में एकाध बैटरी होगी, और इसको आप करके फिर इनको भी आप 1-2 साल के लिए तो बैटरी की लाइफ को नहीं बढ़ा सकते। तो अगर ऐसा होता भी है तो भी ये कोई धंधा हुआ यार, 1000-2000 बैटरी में से एकाध बैटरी आप कहाँ ढूंढोगे, तो ये कोई धंधा नहीं है, ये सब फालतू हैं। ऐसे कोई 2 लाख के मशीन हो या 5 लाख का मशीन हो या 1 लाख का मशीन हो, इसमें कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मेरे हिसाब से फालतू हैं। और ये धंधा, ये बैटरी वाला काम कभी नहीं चलेगा, और ये जो मशीन है अगर आप परचेज भी करोगे तो इनमें आपको कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, तो ऐसा मशीन आपको जो है वो खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बैटरी का बिजनेस अगर आपको करना है तो भी आप बैटरियों को भी आप अपने ब्रांड के नाम से मार्केट में रख सकते हो, जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो आपको आपके ब्रांड के नाम से बैटरियाँ बना के दे देंगी, वो कोई बड़ी दिक्कत वो बड़ी बात नहीं है, तो आप उस हिसाब से करो ताकि प्रोडक्ट तो कम से कम आपको सही मिले और आप मार्केट में सेल कर पाओ। बाकी भाई आप कोई शॉर्टकट मत अपनाओ,
कि भी मैं माल बनाऊंगा, कंपनी को बेचूंगा, कंपनी बेच देंगी और मैं पैसा कमाऊंगा, ऐसा कोई धंधा होता ही नहीं है। मैं आपको हजार बार कह चुका हूं कि ऐसा कोई धंधा नहीं है। धंधा है जो आप खुद सेल करोगे तभी आप प्रॉफिट कर पाओगे, बाकी कोई दूसरा आपको बेच के नहीं देगा यार, ऐसा कोई धंधा नहीं होता है। तो दोस्तों आज पांच मशीन के बारे में मैंने बताया है, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी होती जा रही है। बाकी के जो पांच मशीन हैं इनकी जानकारी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट टू में दे दूंगा। जैसी वो वीडियो पब्लिक हो जाएगी तो इनकी लिंक जो है वो आपको प्राइवेट में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ये वीडियो आपको दो दिन तीन दिन के बाद मिल जाएगी। इस वीडियो को भी और उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, सही निर्णय लेना और फिर अपने हिसाब से बिजनेस को स्टार्ट करना। पैसा मत खोना, पैसा कमाना। जय हिंद, जय भारत।